अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर इस्तवी। दोस्तों कैसे हैं आप? खैरियत होंगे उम्मीद है कि आज मैं आपको एक बहुत ही फेमस चीज़ जो कि देवबंद की है, ख़ास तौर पे दारुल देवबंद की, तो मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी चलते हैं लाइब्रेरी पे, फिर लाइब्रेरी पे से वहाँ से जाएंगे 11:30 बजे उस चीज़ को लेने के लिए, फिर वहाँ से लेकर आएंगे, फिर दिखाएंगे आपको कि वो चीज़ क्या है और कैसा है, जो कि देवबंद की बहुत ही फेमस चीज़ है वो। और बने रहिए आप हमारे साथ, इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा। यहाँ पे हमेशा गाड़ी खड़ी रहती है, यहाँ पे 3 कार है, देखिए एक लाइन से हमेशा 10-15 कार यहाँ पे खड़ी रहती है। तो चलते हैं लाइब्रेरी पे। तो अभी आ गए रशीद पे, और रशीद पे से जाएंगे लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में से उस जगह पे जाएंगे जिस जगह के बारे में मैंने बताया था आपको, वो रही सामने लाइब्रेरी। और उसके बाद लाइब्रेरी के बाद चलेंगे उसी जगह पे जहाँ पे आपको ले जाने वाला हूँ मैं, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस चीज़ है वो, मतलब खाने में है वो, तो दिखाऊंगा आपको कैसी चीज़ है वो, क्या है। यहाँ पे लाइब्रेरी पे पहले यहाँ पे घास ही घास था, अब इन्होंने साफ़ करवा के ये पौधा लगवा रहे हैं, पूरे में पौधा ही पौधा है देख सकते हैं। और अभी दिखाते हैं आपको करीब से, मतलब काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दिखने में, रंग बिरंगी पौधा। ये बांस का पेड़ है क्या? हाँ बांस का पेड़ है। अब यहाँ पे खूबसूरत लगेगा दिखने में, पार्क टाइप पे बना रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे काम चल रहा है। और ये सामने लाइब्रेरी, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा जब यहाँ पे पार्क बन जाएगा ना बैठने बैठने के लिए। तो अभी आ चुके हम लाइब्रेरी पे, ये वो लाइब्रेरी है, और अब चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर, थोड़ा सबक वगैरह सुन लें, उसके बाद फिर चलेंगे वहीं पे, जिस चीज़ का इंतज़ार है आपको बहुत ही शिद्दत से। दोस्तों अभी मैं लाइब्रेरी पा चुका हूँ, और चलते हैं अंदर और उसके बाद चलेंगे वहीं पे जिस चीज़ के बारे में मैंने बताया था आपको। तो अभी अंदर सबक हो रहा है, दिखाता हूँ आपको, ये अंदर सबक हो रहा है, तो चलते हैं अंदर। छुट्टी हो चुकी है, देख सकते कितनी भीड़ लग गई यहाँ पे, फिर तो कुछ भी नहीं है अभी, और निकलेंगे बच्चे अंदर से, निकलते जा रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये है मतबख, और ये लाइन लगते हैं, और देखिए गेट खुल चुका है, बच्चे अंदर दाखिल होंगे, टिकट देंगे, फिर खाना लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी देगें रखी हुई हैं, और इससे बिरयानी निकाल रहे हैं एक देगे से दूसरी देगे बच्चों को देने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे सामने बिरयानी रखी हुई है, पिन्नी है जिसके अंदर हमारा खुराक है, अभी दिखाते हैं आपको, वेट कीजिए। तो ये है दारुल उलूम देवबंद की कुछ लजीज बिरयानी, हॉटी हॉटी चटनी निकाल दें। ओह माय गॉड, बस दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि दारुल उलूम की बिरयानी कितनी गजब है और बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ के सामान में जो है हर चीज़ में प्योर सामान है, मतलब तेल भी है तो इनका अपना है, रोटी बनती है तो इनकी खुद की चक्की है, मसाला पीसने की खुद की मशीन है, और जहाँ सब कुछ प्योर हो तो फिर खाना भी प्योर मिलता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ इसी तरह, प्यार देते रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।